फैसले के साथ नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां बिकरू कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट से मिली खुशी दुबे को जमानत। जमानत के बाद भी मुश्किल में है खुशी दुबे की रिहाई। जमानत के लिए देनी होगी डेढ़ लाख की राशि। फर्जी सिम मामले में भी दाखिल करनी होगी जमानत। जमानत के बाद भी जो है खुशी दुबे की रिहाई होगी। अभी उन्हें थोड़ी सी जो है ढील मिल चुकी है, मगर इसके बाद भी अभी इनकी मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां बिकरू कांड में खुशी दुबे का जो नाम आया था, बिकरू कांड के बाद खुशी दुबे काफी ज्यादा मुसीबतों में नजर आई थी। उनको अभी जमानत तो मिल चुकी है, मगर अभी भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां बिकरू कांड में खुशी दुबे का नाम जो है लिया गया था, और उसके चक्कर में उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चारों ओर से घिरी हुई नजर आई खुशी दुबे, और ऐसे में अब उन्हें जमानत तो मिल गई है, मगर इसके बावजूद भी इनकी मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही है। कानपुर में बिकरू कांड आप सभी को पता होगा, उस मामले में खुशी दुबे को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, सलाखों के पीछे उन्हें जाना पड़ा था, और अब जो है उनकी जमानत की बातें सामने आ रही है, मगर जमानत के बाद भी उनकी मुश्किलें यहां पर कम होती नजर नहीं आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां बिकरू कांड में खुशी दुबे का नाम